हेलो बच्चों सो अगेन वी स्टार्ट डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सो द फर्स्ट सेंटेंस इज प्रवीन सर सतीश स्विम्स डेली अगेन दिस इज अवर रिपोर्टेड स्पीच दिस इज अवर रिपोर्टिंग वर्क अच्छा बच्चों रिपोर्टेड स्पीच वो होती है जब हम किसी का कहा हुआ बिल्कुल शब्दों में बिना तोड़ मरोड़ के बिल्कुल वैसे ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं तो वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है हमारे मुंह से जो स्पीच निकलती है जिसे तो वो उसको बिल्कुल वैसे ही कोट कर देना स्पीच कहलाती है तो ये दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच ठीक है सो प्रवीण सेड तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हमने फिर से देखा कि ये पास्ट टेंस में है से सेट सेट सेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सो so, यानी कि इसके अंदर चेंज आएगा सो आंसर विल बी प्रवीण सेड कॉमा इन्वेटेड कॉमा को हटाकर हम लोग दैट करते हैं दैट सतीश अच्छा ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगलर है तो इसलिए वर्ब में एस लगाया ठीक है ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की यही पहचान होती है कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत बिना किसी लिंकिंग वर्ब के तुरंत वर्ब होता है और उसमें एस लगा होता है अगर सब्जेक्ट सिंगलर है तो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा तो सतीश स्वयं डेली दिस विल बी द आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है ठीक है अगला है माई मदर सेट द गर्ल्स आर प्लेइंग दिस इज अवर रिपोर्टेड स्पीच एंड दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब पास टेंस में यानी कि अंदर के टेंस में चेंज आएगा सो आंसर विल बी माई मदर सेड इसकी जगह इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट लगेगा दैट द गर्ल्स अब देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है है ना आर प्लेइंग कंटिन्यूस में आई एन जी लगते हैं ना सो so, और लिंकिंग वर्ब एज आर एम ए से लगता है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है तो आर का हम वार कर देंगे और कंटिन्यूस में तो आई एन जी लगता ही है सो प्रेजेंट कंटिन्यूस पास कंटिन्यूस में चेंज हो गया अगला देखो स्वीटी सेड सोहन हैज डन हिज वर्क ठीक है दिस इज अवर रिपोर्टेड स्पीच दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब जो कि पास्ट टेंस में अगेन इसके अंदर चेंज आएगा टेंस में सो स्वीटी सेड That, Sohan. अब से देखो हैज के बाद ऑफ दर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में आती है यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट में दियाफेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय पास में चेंज होता है तो हैज का बस हमने हेड कर दिया और सेम क्योंकि जब भी हैज है आ जाता है उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ दर्ब आती है ठीक है वेरी सिंपल अगले देखो द टीचर गुड बॉयज है फॉर टू आवर्स ठीक है गुड वॉयस हैव बीन रीडिंग दर बुक्स फॉर टू आवर्स जो है ये प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना हैव बीन वर्ग में आई एन जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास परफेक्ट कंटिन्यूस में और यह हमारा पास टेंस में दिया हुआ है ठीक है रिपोर्टिंग वर्ग सो सो चेंज आएगा अंदर तो आंसर विल बी द टीचर हमने बताया था जब सेट टू दोनों एक साथ होते हैं तो सेट टू की जगह दोनों को मिला के टोल्ड लिख दिया जाता है टोल्ड मी नहीं लिखना टोल्ड मी कंजंक्शन को हटा के इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के कंजंक्शन दैट दैट गुड बॉयज और ये चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है सो हैज हैव का हैड कर दिया बीन रीडिंग्स

पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सो आंसर विल बी ही सेड दैट ऑल ऑल हैड बीन लाफिंग एट द बेगर ठीक है तो हमने देखा यहाँ पर कि पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया हैड बीन लाफिंग ठीक है अगला देखिए ही सेड मैरी केम एट नाइट दिस इज अवर रिपोर्टेड स्पीच जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है जो तो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकेंड फॉर्म दिवर्ड रखी है पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और ये हमारे रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में यानी कि इसके टेंस में चेंज आएगा ही सेड दैट मैरी केम एट नाइट ठीक है पास्ट एंड डेफिनेट पास परफेक्ट में चेंज होता है तो हो जाएगा पास परफेक्ट में हैड लगता है और जब भी हैज़ एव हैड लग जाता है तो हमेशा थर्ड फॉर्म दर्ब आती है मैरी हैड कम एट नाइट ठीक है अब हम आपको एक वो दे रहे हैं कमेंट में आप आंसर देंगे यू सेट टू मी द बॉयज डू नॉट रीड वेल दिस इज़ द आंसर आप कमेंट में तुरंत आंसर दीजिए अपना नाम लिखना ना भूलिएगा अच्छा एक बात बच्चों और है मैंने आज आपको जो छह टेंसेस चेंज होते हैं ये बहुत स्पेसिफिक वीडियो है कि जो छह टेंस जिनमें चेंज होते हैं वो सारे हर का एक एक सेंटेंस कर रहे छः टेंसेज जो है आपस में बदलते हैं जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट पहला वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में बदला दूसरा प्रजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदला फिर प्रजेंट परफेक्ट पास परफेक्ट में बदला फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदला ये देखिए प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंड पास्ट परफेक्ट में बदला और ये पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदला यही छः टेंसेज है जिसमें चेंज आता है और मैंने सारे के एक एक वो आपको दिए इसके अलावा कोई टेंस किसी में चेंज नहीं होता और अगले में मैं आपको मॉडल्स कैसे चेंज होते हैं वो बता दूंगी आप इसका कमेंट में आंसर दीजिए ठीक है थैंक यू